हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. माय नेम इज पंकज कुमार राय और मैं आप लोगों के बीच में एक नया टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस और फायरवॉल के थ्रू से पैकेट फिल्टर किससे किया जाए. एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में जो लॉट्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं और फायरवॉल का वर्क होता है एक नेटवर्क को डिफेंस करना. तो फायरवॉल बेसिकली हमें नेटवर्क को डिफेंस करता है और जो आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करता है आपके नेटवर्क में इन करने के लिए. ओके, इससे क्या होता है कि आपका नेटवर्क दैट इज सेफ होता है और नेटवर्क को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अनवांटेड पैकेट्स को आने से पहले. तो फायरवॉल के बारे में हम थोड़े थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हल्का सा कि फायरवॉल होता क्या है, फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा. पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. मेरा नाम पंकज कुमार रॉय है और मैं लास्ट 12 साल से आईटी लीडिंग कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और रिसेंटली मैं एसयूएच का एक सीनियर ट्रेनर के रूप में पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ. ये जो सेशन जो हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रहा है, एक फायरवॉल के बारे में बताया जा रहा है. जो फायरवॉल पीएफ सेंस फायरवॉल होता है, पीएफ सेंस फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है, इज नॉट अ फिजिकल बेस्ड फायरवॉल. बट पीएफ सेंस फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस्ड जानने के बाद इसका एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है, जिसको नेट गेट फायरवॉल बोलते हैं. ओके, तो फायरवॉल क्योंकि लॉट्स ऑफ कंपनीज क्या होती है कि अगर उनका मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है फाइबर का तो बेसिक्स नेटवर्क को ही वो फिल्टर करते हैं थ्रू पीएफसेंस फायरवॉल. पीएफसेंस फायरवॉल एक ओपन सोर्स फायरवॉल होता है, ये से आप डाउनलोड करोगे और अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल करोगे वर्चुअल बॉक्स पे और उसको नेटवर्क पे सेटअप करोगे. ओके, तो आई होप सो पीएफसेंस फायरवॉल समझ में आ गया. तो मेरा एजेंडा क्या होगा इस पी एफ सेंस फायरवॉल में बताने का, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ. रिपोर्ट कीजिए. ओके, तो मेरा एजेंडा है जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माय नेम इज पंकज कुमार राय, सीरियल ट्रेनर. मैं सिसेलिन ग्लोबल सर्टिफाइड AWS Rush Architectures, SageMaster 12 Certified and Windows Server Linux Administrators, my profile है. और पिछले 12 साल से मैं IT लीडिंग कंपनी में काम कर चुका हूँ और उसके मैं ISVS में लास्ट 1 ईयर के लिए ज्वाइन किया हूँ एज ए सीनियर ट्रेनर. तो इसका एजेंडा क्या होगा, फर्स्ट हमें जानना है कि पहले हम डाउनलोड करेंगे PFSense Firewall को फ्रॉम इंटरनेट. ये है आपका लिंक. ओके, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा. फिर हमें जो सॉफ्टवेयर जो जो आईएस इमेज जो डाउनलोड होगा उसे हम वर्चुअल बॉक्स में डालेंगे और इंस्टॉल करेंगे पीएफसेंस सॉफ्टवेयर ऑन वीएम यानी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे. इसमें मुझे 3 टास्क परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट मुझे 3 एडेप्टर ऐड करना होगा क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में आपका एडेप्टर्स बाय डिफॉल्ट एक ही एक्टिव होता है. द फर्स्ट एडेप्टर शुड एक्सेस इंटरनेट. सेकेंड एडेप्टर से फर्स्ट एडेप्टर मीन्स जो आपका जो पीएफसेंस फायरवॉल जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस उसमें इंटरनेट आना पड़ेगा. ओके, जब तक इसमें इंटरनेट आएगा नहीं तो आप नियरेस्ट नेटवर्क को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. सेकेंड एडेप्टर जो सेकेंड एडेप्टर होगा नेटवर्क कार्ड या इथरनेट पोर्ट जो प्राइवेट नेटवर्क 1 और जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस इसमें हम करवाएंगे और सेकेंड नेटवर्क में नॉट एक्सेस द इंटरनेट. ओके, तो यानी मेरा 3 पोर्ट्स हैं. एक पोर्ट में आपका आउटसाइड इंटरनेट इन कर रहा है, सेकेंड नेटवर्क में आपको इंटरनेट मिलेगा बट नेटेड आईपी मिलेगा आपको, थर्ड जो प्राइवेट नेटवर्क्स होगा जो आप इंटरनेट एक्सेस उसमें हम बंद करेंगे नेटवर्क को फिल्टर करेंगे. और उसके बाद हमें और 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए विंडोज मशीन जो मैं नेटवर्क में दिखा सकूंगा. ओके, तो
तो अभी हम फर्स्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि इसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे अपने मशीन्स में, तो इस लिंक को आपको कॉपी करना होगा। मैं पहले ही बताया हूँ कि क्लास स्टार्टिंग से पहले ही स्टार्टिंग पोर्शन में कि पीएफसीएस फायरवेल इज ए पार्ट ऑफ नेटगेट। ओके, तो इस लिंक को कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना है। आप क्लिक करोगे तो आपको एक डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो लिंक आप देख रहे हो, ऑलरेडी मैंने एक सेटअप फाइल डाल कर रखा हूँ, मैंने लिंक प्ले में बना कर रखा था। हो सके तो जब आप वीडियो आप देखोगे या आप इसको लिंक में क्लिक करोगे तो ये आपको लिंक वैलिड ना भी हो सके। ओके, तो इसको हमें डाउनलोड दूसरे में भी कर सकते हैं। जैसे इसे डाउनलोड होने दीजिए फिलहाल, तो आप लिखोगे पीएफसीएस फायरवेल डाउनलोड। तो इसमें आपको आना है, यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वर्जन पूछेगा आपके कौन सा आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर से, अगर 64 बिट 64 बिट, और आपको आईएसओ इमेज चाहिए तो आईएसओ इमेज, और इसका जो किस सर्वर से आपको डाउनलोड होगा। तो मोस्टली मोस्टली आप ऑस्ट्रेलिया यूज कर सकते हो या फ्रैंकफुर्ट जर्मनी या सिंगापुर, एज ए चॉइस आपको क्या चाहिए आप डाउनलोड कीजिएगा। दैट इज सपोर्टेड बाय नेटकैट। ओके, तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है, ऑलरेडी मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि वी डोंट रिक्वायर दिस डाउनलोड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस आईएसओ इमेज ऑन माय मशीन। तो मैं एक मशीन स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ वर्चुअल बॉक्स, उस पर मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। तो सो फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टू मशीन्स। ओके, तो हमारा टास्क क्या होगा उसे मैं एक सिंपल सा आपको एमएस पेंट में दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप बिल्कुल तरह से समझ सको कि मैं क्या बताने वाला हूँ। आप देखोगे कि मेरा एक सर्वर मशीन होगा। ओके, और आउटसाइड से एक इंटरनेट आएगा और इसमें आपके तीन नेटवर्क्स होंगे। तो जैसे इंटरनेट में एक दिस इज ऑपरेटिंग बेस्ड ऑफ फायरवॉल, दिस इज ऑपरेटिंग बेस्ड ऑफ फायरवॉल। ओके, पीएफ सेंस फायरवॉल इज ओएस बेस्ड, इज इट पीएफ सेंस फायरवॉल ऑन बेस्ड ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि मेरे पास तो राउटर तो है नहीं, है ना, वी डोंट हैव अ राउटर। तो मुझे विदाउट राउटर, क्योंकि अगर आपको एक फायरवॉल खरीदना है मार्केट में तो आपको फायरवॉल लोगे और उसमें इंस्टॉल करोगे क्योंकि प्यूरिफायर ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, बट मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास फिजिकल फायरवॉल नहीं है। तो एज ए अकॉर्डिंग टू माई सिनारियो मैं एक सर्वर एक मशीन खरीदूंगा जिसमें तीन लैंड पोर्ट्स चाहिए। ओके, तीन लैंड पोर्ट्स चाहिए जो आपको 3 गीग का हो सके, ये तीनों मशीन के लैंड पोर्ट्स हैं। तो पहला जो नेटवर्क हम देख, इसमें हमें पब्लिक नेटवर्क से इसको जोड़ना पड़ेगा, पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेट। दूसरे नेटवर्क को मुझे LAN 2, LAN 1, LAN 2। ओके, तो पब्लिक जो नेट है, पब्लिक नेट में मैंने पहले बताया था कि जब भी आपको क्योंकि दिस इज अ राउटर। ओके, दिस माय ऑफलाइन, दिस इज माय राउटर इन माय प्राइवेट नेटवर्क्स। इस साइड जो नेटवर्क चल रहा है, दिस साइड ऑफ नेटवर्क इज अ पब्लिक नेटवर्क। ये क्या आपका एक पब्लिक नेटवर्क है। ओके, तो इसमें जो ट्रैफिक जो आ रहा है, इसमें जो ट्रैफिक आ रहा है दैट इज नॉट अ सेफ ट्रैफिक। अगर डायरेक्टली आपका ट्रैफिक आपके नेटवर्क में चले जाए तो दैट इज अनवांटेड ट्रैफिक। इसमें लॉट्स ऑफ ट्रैफिक आते हैं जो इज नॉट अ सेफ फॉर योर नेटवर्क्स।
सो फायरवॉल क्या करता है, एक डिफेंस का काम करता है। ओके, जो डिफेंस क्या करेगा, आप उसमें पॉलिसी बनाते हो कि कौन से ट्रैफिक फिल्टर होगा, कौन से ट्रैफिक को आगे जाना है। ओके, तो मेरा जो ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट, जो डायरेक्टली जो मेरा मेरा आईएसपी सो इंटर आ रहा है, इस राउटर में आया और मैं यहाँ से एक आईपी लेकर, एक तार को लेकर, केबल को लेकर मैं सीधे अपने इस फॉर्मिनेट में जोड़ देता हूँ। तो इसमें मुझे एक आईपी सेट करना पड़ेगा, दैट इज अ पब्लिक आईपी व्हिच इज प्रोवाइड बाय द आईएसपी। ओके, तो पब्लिक आईपी आप कुछ भी दे सकते हो एज अ चॉइस जो आपको आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, और जो सेकेंड लाइन आप देख रहे हो, द सेकेंड लाइन इज द फर्स्ट लाइन इज डायरेक्टली टू कॉन्फिगर फ्रॉम वन स्विच। और ये जो आप ये दिस आर द कंप्यूटर, दिस आर द कंप्यूटर दैट कनेक्टेड फ्रॉम लैंड वन, और इसमें भी आप एक आईपी दे सकते हो जो आपको नेटवर्क को ये जोड़ेगा फ्रॉम दिस नेटवर्क्स। ओके, और अनदर नेटवर्क इज, आप देखोगे दैट इज अनदर पार्ट ऑफ नेटवर्क्स। ओके, द सेकेंड स्विच। ओके, ये स्विच वन है, द स्विच वन एंड स्विच टू, राइट। तो द थ्री पोर्ट्स आर कनेक्टेड फ्रॉम दिस सर्वर। द फर्स्ट पोर्ट इज कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। अब जो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस राउटर से इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो भी पैकेट्स आपके इस नेटवर्क में आ रहा है, जो भी पैकेट नेटवर्क में आ रहा है इस राउटर में, राउटर इसे फिल्टर करेगा, फायरवॉल राउटर से फिल्टर करेगा, ओएस बेस्ड फायरवॉल, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, और वो ट्रैफिक को सीधे इससे मूव करके इससे वो पास हो जाएगा, डिपेंड ऑन द नेटवर्क ट्रैफिक। तो देखो यहाँ पे दिस आर थ्री, और इसका जो आईपी आप देखोगे, इसका आईपी मैंने मेंशन नहीं किया, इसका नेटवर्क आईपी है मान लो 192.168.0.0 नेटवर्क्स। ओके, अकॉर्डिंग टू माय नेटवर्क्स आप देख पाओगे कि इंटरनेट कम इन दिस आईपी एंड दिस आईपी इज नॉट एक्सेस द इंटरनेट एंड दिस आईपी इज आल्सो नॉट एक्सेस द इंटरनेट। अंडरस्टूड, आई थिंक सो, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सेकेंड थिंग्स, मेरा जो सिनारियो था कि लाइन टू विल नॉट एक्सेस इंटरनेट। ओके, एंड लैन वन एक्सेस इंटरनेट, दैट मीन्स इफ ट्रैफिक अलाउ इन दिस नेटवर्क, अंडरस्टूड, एंड दिस नेटवर्क वेब ट्रैफिक इज ब्लॉक, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर फिल्टर ट्रैफिक। ओके, जो हमारा इस लाइव स्ट्रीमिंग का पार्टी है, पैकेट फिल्टर ट्रैफिक। ओके, आई थिंक सो, आपका इस थ्योरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं फायरवॉल के साथ में क्या करने वाला हूँ। तो लेट्स गो इंस्टॉल दिस फायरवॉल। ओके, आई हैव ऑलरेडी, मैं पहले ही दो मशीन रेडी कर चुका हूँ, PC1, PC2। तो इसमें जो मेरा PC1 जो है, PC1 का आईपी जो है, PC1 का जो आईपी मैंने चेक कर चुका ऑलरेडी ही, यानी टू नेटवर्क के सिनारियों में। ओके, एंड PC2 जो अनदर नेटवर्क्स है उसको मैंने सेव कर दिया थ्री नेटवर्क के सिनारियों में, ऑलरेडी मैंने आईपी सेव करके रखा हूँ कि आपको क्या समझ सके कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्लियर? तो मैं पीएफ सेंस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट मैं आपको फ्रेश करके दिखाने वाला हूँ कि आप समझ सको। तो पहले मैं न्यू में जाऊंगा, एक पीएफ सेंस नाम का एक नाम आपको देना होगा,
सेंस फायरवॉल सो इट इज अनर्स अदर्स एंड गिव द नेम्स नेटवर्क नेक्स्ट। देखो यहाँ पे आपको मेमोरी साइज देना पड़ेगा एज अ नेटवर्क डिजाइन। अगर आपका नेटवर्क लार्ज नेटवर्क है और आप मल्टीपल लैंड नेटवर्क अप्लाई करना चाहते हो फ्रॉम पीएफसीएल फायरवॉल राउटर्स ओएस बेस्ड, सो आपको मेमोरी कैपेसिटी यूज होना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट जितना ज़्यादा आएगा मेमोरी का रिक्वायरमेंट उतना बढ़ेगा और लैंड पोर्ट का भी स्पीड बेटर होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका 100 यूजर्स ऑफ ऑन लैंड वन में हैं तो एटलीस्ट 1 GB पोर्ट स्पीड मच बेटर। 100 MB से भी चलेगा कोई इशू नहीं, बट आपको यह नेटवर्क सिनेरियो समझना होगा। आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली मेड द मशीन्स नाउ सेट द नेटवर्क सेटिंग्स। गो टू सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन नेटवर्क्स। फर्स्ट एडेप्टर शुड बी ब्रिज बिकॉज दिस इज वर्चुअल मशीन्स। इन अ रियल सिनारियो आपको ब्रिज नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही है कि मैं मेन कौन सा पोर्ट में इंटरनेट आएगा। ओके तो इन दिस सिनारियो आई हैव अ सिनारियो वी डोंट हैव अ फिजिकल मशीन्स बट मेरे पास वर्चुअल मशीन्स हैं, तो उसको मैं ब्रिज करूंगा क्योंकि मुझे इंटरनेट लाना है इसमें। तो आई को ये कॉन्सेप्ट को पता ही है। तो नेटवर्क एडेप्टर टू में मुझे होस्ट ऑनली एडेप्टर्स करना होगा, तो मैं यहाँ पे दो असाइन करूँगा क्योंकि सीरियल वाइज टू। ओके एंड एडेप्टर थर्ड एनेबल दिस एडेप्टर्स इंस्टॉल एंड थ्री ऑटोमेटिकली इज अपीयरिंग सो गो गो बैक। ओके तो मेरा नेटवर्क्स कंप्लीट हो गया और मुझे एक चीज फोकस करना होगा कि मेरा नेटवर्क्स में ये दोनों एडेप्टर्स एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि मैंने दो होस्ट ऑनली एडेप्टर्स डाला ना, तो ये भी आपको वेरीफाई करना होगा। देखो मैं 2, 3 एक्टिव है, कोई इशू नहीं। जो अदर्स जो है उसको बंद कर दो, दैट इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर ड्यूरिंग द इशू नॉट बी अपियर। ओके द टू नेटवर्क विल बी एक्टिवेट 2 एंड 3 जो मैंने मेरा पीएफसीएन फायरवॉल में शो कर चुका हूँ मैं। ओके नाउ स्टार्ट दिस मशीन। नो बिफोर स्टार्ट यू से अटैच योर आईओएस इमेज जो आपने डाउनलोड किया है। तो मैं इस एमडी में जाता हूँ चूज, और मेरा फायरवॉल का पीएफसीएन ये है आईओएस इमेज जो आप डाउनलोड करोगे, जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रखे हो सेव करके उसको आप लोकेशन शो कर लेना। नाउ स्टार्ट दिस मशीन। तो अभी स्टार्ट हो रहा है। ओके सी द वेरी केयरफुली रिमोट। आई थिंक सम इशू।
स्विंग ब्रीज एंड ड्रेस स्टार्ट। या इट्स लोडिंग नाउ। ओके तो आफ्टर लोडिंग एक्सेप्ट ओके एक्सटेंस नेक्स्ट सेलेक्ट इस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ओके फिर ये इधर आपको क्या करना लास्ट चांस टू यस और ये आपको लोड हो रहा है। So wait some few minutes after load is successfully. I think so maybe 5 minutes taking time to load it your sense. इसी के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। देखो पी एफ सेंस फायरवॉल आप क्यों यूज करते हो क्योंकि आप एक छोटी जैसे आप छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन से आपका कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है फायरवॉल तो आपका नेटवर्क स्मूथ वर्क करे पैकेट फिल्टर अप्लाई हो और यूजर्स को आप प्रोटेक्ट कर सको अनवांटेड पैकेट से और यूजर को ट्रैफिक को ब्लॉक कर सको तो इसके लिए आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है जिसके थ्रू से आप नेटवर्क को पैकेट को फिल्टर कर सकते हो यूआर को भी फिल्टर कर सकते हो आप बट टुडे सेशन में जो शो कर रहा हूँ ओनली इंटरनेट को ब्लॉक कर रहा हूँ मैं और कुछ ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ बट इसमें हर प्रकार के सर्विस ब्लॉक हो सकते हैं ओके okay? और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे नो करोगे और रिबूट दिस मशीन व्यू स्केल मोड इसमें जो ओएस था ना आपको रिमूव करना पड़ेगा नहीं तो बार बार ये रिपीट लेते रहेगा तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो मैं इसे जब दोबारा रिस्टार्ट करूँगा तो ये सक्सेसफुल लोड हो चुका होगा ठीक है। इसके बैक साइड से मैं दो क्लाइंट मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा काम हो सके ठीक से क्योंकि वी नीड टू मशीन्स एक मशीन जो है आपका दूसरे नेटवर्क में होगा और एक मशीन जो है 3.1 नेटवर्क में होगा ठीक है। स्टार्ट हो दीजिए और मैं दूसरा मशीन भी स्टार्ट होगा अभी
आई थिंक सो सक्सेसफुली स्टार्टेड द मशीन्स। सो अनदर मशीन इज चेकिंग, इट्स लोडिंग नाउ। तो अभी मैं पीएफ सेंस में जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो लुक एट दैट, जब पीएफ सेंस को कॉन्फिगर कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइन, ठीक है, वाइन पोर्ट, लैंड पोर्ट। तो मेरा जो थर्ड सेकेंड लैंड जो है वो शो नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि जब आपका ये सक्सेसफुली कॉन्फिगर हो जाएगा, आप उसको पोस्ट में एक्टिव कर सकते हो। तो फर्स्ट मुझे लैंड में जाना पड़ेगा, तो आपको टू सेलेक्ट, दो दबाओगे, दैट इज सेट द इंटरफेस आईपी एड्रेस। सो आई वांट टू सेट द आईपी एड्रेस इज टू, तो सेलेक्ट टू लैंड पोर्ट टू। ओके, इंटर द न्यू लैंड IPv4 एड्रेस। ओके, तो आपको एड्रेस सेट करना होगा 192.168, जो मेरा लैंड जो वन है वो 2.1 का है, क्योंकि मेरा लैन 2.1.network सीरीज का है 24। एंड डोंट गिव द गेटवे एड्रेस, ओके, बिकॉज गेटवे एड्रेस हम इसे नहीं देंगे, ताकि मैं ऑलरेडी इंटर के दूसरे से इसमें सर्व करवाऊंगा। ओके, सो पुट हिट द इंटर। ओके, यस नो, क्योंकि मैं DHCP पे देना नहीं चाहता, मैं स्टडी देना चाहता हूँ, तो नो। और स्ट्रीट प्रूफ अब चाहिए, यस। ओके, देखो ये आपका URL हो गया। इस URL के थ्रू से 192.168.2.2.1, इससे आप इस फायरवॉल को एक्सेस करोगे। कहाँ पे एक्सेस करोगे? आपके विंडोज मशीन पे। ओके, तो फर्स्ट मैं चेक पिंग करूंगा कि मैं यहाँ पे पिंग हो रहा है कि नहीं। आपको 7 को पिंग, आपको पिंग लिखनी जो नहीं, जस्ट आईपी एड्रेस। या इट्स पिंगिंग नाउ, तो यानी यहाँ पे इंटरनेट आ चुका है मेरा, तो इसे मिनिमाइज कर दूंगा, इसका काम कंप्लीट हो गया। फिलहाल मैं क्लाइंट वन में जाता हूँ, क्लाइंट वन, जिसमें क्लाइंट वन, और मुझे चेक करना होगा इसका आईपी एड्रेस है क्या, तभी तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, अदरवाइज नॉट एक्सेस द मशीन। Yeah, 1.100, I think so, is not a correct address. So, check it. What is the network settings on the machine? I think so, network settings maybe, okay. So, change the IP address, network is okay. Right click on the machines. I'm setting the IP address on same series of IP, 2.1 networks. If any address on same series, जो हमारा दो के नेटवर्क में था वो, अब हमें उस फाइल को एक्सेस करना होगा from this machine. तो type this IP address of PFSense firewall. Look at that. जो PFSense firewall का जो default user name और login ID जो होता है वो admin और PFSense का password होता है PFSense. Okay, check it. Is it correct or not? No. S. Yeah, the first page is appearing now. That means मेरा जो configuration है successfully हो चुका है फिलहाल, but अब post installation मुझे करना है. Post configuration, next and next gives your host name. आप host name दे सकते हो जो आप देना चाहते हो. तो मेरा host name, मैं यहाँ पे iSwitch दे देता हूँ. This is my our company's name. Domain name, if you have a domain, तो you give the domain name. तो डोंट हैव अ डोमेन, सो डोंट, मैं इसमें नाम नहीं दे रहा हूँ. तो आप पब्लिक DNS का IP भी दे सकते हो, दैट इज द DNS नेम
द होस्ट विल रिजॉल्व, आई थिंक सो आपको डीएनएस पता ही होगा, तो डीएनएस ओवरराइड को हमें करना है नेक्स्ट। नाउ टाइम सेटिंग्स, आप टाइम सुन ले सकते हो, टाइम जोन में मेरा एशिया कोलकाता है, सर्च इज एशिया कोलकाता, एशिया कोलकाता स्केल सी, या दिस जस्ट अ मिनट, जैसे खोल रहा था। ओके सो नेक्स्ट, नाउ द आईपी डीएसपी बेस्ड, क्योंकि मेरा जो वाइन आईपी है वो डीएसपी होगा, क्योंकि आप जो राउटर मुझे आईपी थ्रू कर रहा है ये लैन आईपी है, लैन से इसका आईपी 2.1 ही होना है, क्योंकि इसके एडमिन पासवर्ड में आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो एज ए चॉइस, क्योंकि दोगे तो दैट इज बेटर, क्योंकि डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड से कोई अनवांटेड पर्सन लॉग इन भी कर सकता है, तो यू कैन गिव द पासवर्ड एज ए चॉइस भी है, तो डोंट रिक्वायर दिस पासवर्ड दिस टाइम, रीलोड नाउ, वेट सम फ्यू मिनट्स आफ्टर रीलोड सक्सेसफुली द फुल्ली एक्सेस ऑफ फायर, ओके एंड फिनिश्ड। ओके तो फाइनली माय पीएसएन फायरवॉल इज इंस्टॉल सक्सेसफुली ऑन दिस मशीन्स। नेक्स्ट पार्ट, अब सेकेंड नेटवर्क को जो सेकेंड में नेटवर्क डाला था उसको मुझे ऐड करना है, जिसको लाइन टू। ओके तो गो टू द इंटरफेस, क्लिक ऑन द असाइनमेंट एंड लुक एट दैट, ऐड ऑन दिस एवलेन नेटवर्क कोर्स, आपको ऐड पे क्लिक करना होगा, देन सेव इट, तो आपको ये पोर्ट एक्टिवेट हो गया। अब इसमें क्लिक करना है आपको एनेबल और ये ओबीटी वन मतलब ऑप्शनल वन, तो मैं यहाँ पे लैन टू का नाम दूंगा ताकि मैं समझ सकूँ। लैन टू में जो आईपी होगा वो स्टैटिक आईपी होना चाहिए, ओके और यहाँ पे आपको वो आईपी देना पड़ेगा, तो मैं आईपी दे रहा हूँ 168.1.2, दैट इज सेकेंड लैन। आपको गेटवे देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज द गेटवे यूजिंग फ्रॉम पब्लिक एड्रेस, ओके तो सेव ऑन इट, अप्लाई चेंजेस, लुक एट द इंटरनेट इज नॉट इज कमिंग हियर, ओके and interface, look at that, the tool interface is appearing, WAN public network LAN 1 LAN 2, understood, then go to the service। तो देखो अब हम LAN 1 और LAN 2 को, ये तो IP आपको मिला ना, आपने मैनुअल IP सेट किया, बट हम क्या चाहते हैं क्लाइंट के जो IP मिले वो IP DHCP बेस IP देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि मैनुअली IP सबको असाइन करे, तो the two separate networks are distributed from separate switches, तो जैसे इस इमेज में देख रहे हो कि ये जो पोर्ट्स है स्विच टू और स्विच वन, तो मैं इस पोर्ट से डीएचसीपी आईपी थ्रो करवाऊंगा अपने एवरी क्लाइंट्स के ऊपर, ताकि क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा कि मुझे स्टैटिक आईपी देने का बर्डन नहीं पड़ेगा, तो जब भी आपका पोर्ट एक्टिवेट होगा उसी वक्त आपको डीएचसीपी सर्विस को एक्टिव करना पड़ेगा ऑन दिस पोर्ट, मतलब इस पोर्ट पे एक्टिव करना पड़ेगा आपको, ओके तो देखो हम एक्टिव कैसे करते हैं, हम पीएसएन फाइल में जाएंगे, क्लिक ऑन द सर्विस एंड क्लिक ऑन द डीएचसीपी सर्वर, ओके तो देखो यहाँ पर लैन वन दिख रहा है, तो इसको हम एनेबल करेंगे और डीएचसीपी रेंज 2.10 एंड 245, ये रेंज आपका है कि आप इसका रेंज घटा भी सकते हो कि आपको कितना आईपी इंस्टॉल करना, तो 100 करते तो 100 से ये आपको ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सेव कर देना है, सेव हो गया, ओके एंड गो टू इंटरफेस लाइन टू, या लाइन टू इज आई पी इज हियर सर्विस डीएचसीपी, where is LAN 2,
go to that. Once again, firewall is a command line interface through with the enter. Look at that. EM2 is showing, I think so, 32, na? 32 is not a distributed network because 32 means entire the IP is not be distributed because 32 slash 32 means full, this IP will not be distributed because ये IP fixed हो चुका है, मुझे इसे change करना है, तो मैं यहाँ change तो नहीं कर सकता, कर सकते हैं लेकिन हम वो graphically करेंगे, दोबारा हम वो GUI mode में जाएंगे, जो हमसे गलती होगी उसे ठीक करना है, दोबारा क्लिक ऑन द इंटरफेस लाइन 2 और ये जो 32 जो है इसे हम 24 कर देंगे. ओके, क्लिक ऑन सेव, अप्लाई चेंजेस. डन, गो वन सेकंड सर्विस. Click on DHCP. Look at that, is appearing now. Click on the LAN 2. Enable. And set the address 3.10 and 3.100. That means आप सिर्फ 90 IP का allow कर रहे हो आप, ठीक है? And save on it. Okay? तो ये save हो चुका है. अब मुझे देखना है कि जो हमने DHCP बनाया, क्या वो work कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो स्विच PC2 लॉगिन. सिस्टम मच मोर स्लो, वेट सम फ्यू मिनट्स. या so check IP is saving or not. No, it's not saving the IP. What happened? Looks a few minutes. Check it. Not receiving the IP address. I think so. What happened? Everything is okay, but so check the network settings. Go to the systems. Okay, this PC1 and PC2. Yeah, it is okay. The issue is yeah, receiving now. Just इसको मैं enable disable किया और ये आपका हो गया. ओके, तो मेरा ये मशीन को आईपी मिल चुका है PC2 का, बट इसमें क्या ओपन डीएनएस पिंग हो रहा है ये मुझे चेक करना होगा. तो देखो ओपन डीएनएस पिंग नहीं हो रहा है और कोई साइट भी आपको नहीं खुलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट है कि नहीं. तो इसमें मुझे अगर मैं एनएस लुकअप करता हूँ google.com, तो देखो ये भी रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई इंटरनेट का ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है. तो
मैंने मेरा सिनारियो क्या था कि क्लाइंट टू इज नॉट एक्सेस द इंटरनेट, तो वो सही है, इंटरनेट एक्सेस तो हो नहीं रहा है, ओके, क्योंकि ट्रैफिक ही आपका मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट नेटवर्क जोन, है कि 3.2 या 3.1 नेटवर्क्स, बट दिस नेटवर्क इट इज एक्सेसिबल नॉट इंटरनेट, फर्स्ट आई चेक इट ऑन दिस मशीन। तो पहले मुझे चेक करना होगा कि ये जो मशीन जो है ये क्या स्टैटिक ऐप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सॉरी ये डायनेमिक ऐप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने 2.1 नेटवर्क को में भी मैंने स्टैटिकली डीएससीपी नेटवर्क बना चुका हूँ मैं, तो इसको मैं ऑप्ट इन ऑटोमेटिक करता हूँ। तो फर्स्ट चेक इट द ये जो मशीन जो है आईपी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यस आईपी ले चुका है ये मशीन, ओके, तो इसका आईपी क्या लिया है मुझे चेक करना होगा। आईपी कॉन्फिग, ओके द आईपी इज रिसीविंग नाउ 2.11। अब हम पिंग करेंगे ये इसमें इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या इन इज वर्किंग नाउ, और एनएस लुकअप कर लेते हैं, तो एनएस लुकअप में भी आपका ये रिजॉल्व करेगा, google.com, या रिजॉल्विंग नाउ। तो आपके मन में क्वेश्चंस आए तो हमने तो रूल सप्लाई किया ही नहीं। देखो सिंपल सी बात, जो फर्स्ट लैन आप असाइन करते हो पीएसएस फायरवॉल वो ऑटोमेटिक नेटेड बन के आता है, ओके, तो अगर मैं इसे ट्रैश शूट करता हूँ आपको देखना है कि ये ट्रैफिक जा कैसे रहा है, देयर इज अनदर नेटवर्क हियर, आप जो google.com कर रहे हो आप, ओके, तो ये ट्रैश शूट देखो, पहले आपका 2.1 में गया फिर 1.1 में गया, मतलब दो हॉप्स काम कर रहा है, 2.1 एंड 1.1, अंडरस्टूड, फिर डेटा विल बी गो अनदर वे, तो 2.1 इज अनदर गेटवे और 1.1 इज अनदर गेटवे, बट ये दोनों बीच में आपको नेट किया गया, बाय डिफॉल्ट नेट एनेबल होता है। तो अगर मुझे अगर आपको इसमें बंद करना है ट्रैफिक को या इसमें और कुछ पॉलिसी अप्लाई करना है तो आपको फायरवॉल रूल्स में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, फायरवॉल रूल्स, फायरवॉल एंड रूल्स पे क्लिक करना है आपको, आपको लैंड पे सेटिंग करना है ना, देखो लैंड पर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड, अंडरस्टूड, बट लैंड टू इज नॉट द पॉलिसी अप्लाई। तो अगर लैंड टू का नेटवर्क में देख रहे हो आपके यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पिंग नहीं हो रहा है, अगर मैं ओपन डीएनएस को पिंग करूँ तो मेरा ये पिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि नथिंग अप्लाई एनी पॉलिसी ऑन दिस ऑन पोर्ट ऑन दिस पोर्ट, ओके, उस पोर्ट पे कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है, तो मैं अभी इस पे इंटरनेट को एक्टिव कर रहा हूँ, इसी को बोलते देखो ऑलरेडी तो आपके डिजेबल ही है पोर्ट, मतलब इंटरनेट एक्सेस हो ही नहीं रहा, ये पॉलिसी अप्लाई हो ही चुका है बाय डिफॉल्ट, बट आपको इन फ्यूचर कभी आपको थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ लाइन एक्टिवेट करना है तो इसमें आपको इंटरनेट एक्टिव करना है, तो इसे इंटरनेट आप कैसे एक्टिव करोगे, तो फर्स्ट आपको जाना पड़ेगा फायरवॉल रूल्स पे, वंस यू हैव सो इट फायरवॉल रूल्स एज सेलेक्ट लैंड टू, क्योंकि लैंड टू मुझे अप्लाई करना है, क्लिक ऐड, और पहले हमें आईएसएमपी पैकेट को अलाउ करते ताकि मुझे पिंग मिल सके, तो मेरा जो एनी एनी के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पे भी ब्लॉक नहीं करना चाहता, एनी नेटवर्क एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशंस, तो जिससे मैं सेव करता हूँ अप्लाई चेंजेस, तो देखो इसको आईपी को पिंग मिला स्टार्ट हो जाएगा, मिल गया पिंग क्योंकि आपने आईएसएमपी का अलाउ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, आप जो एनएस लुकअप करते हो यहाँ पे देखो आपको रिजॉल्व होना चाहिए, अगर रिजॉल्व नहीं होगा आपको नेट तो चलेगा ही चलेगा, आप सिर्फ पिंग को अप्लाई कर रहे हो ना, आईएसएमपी को अलाउ कर रहे हो आप, तो सिर्फ आपको पिंग मिलेगा, साइट तो नहीं खुलेगा, साइट खोलने के लिए आपको 53 पोर्ट डीएनएस रिजॉल्व करने का पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा, देन ये साइट विल बी अलाउ होगा, ओके, तो 53 को अलाउ, फिर दोबारा क्लिक ऐड एंड टीसीपी एंड यूडीपी, बिकॉज आपको पता है कि हमारा जो 53 जो डीएनएस है 53 पोर्ट जो है वो यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल होता है,
और ये जो सोर्स जो है, सोर्स मेरा लैंड टू नेट, अंडरस्टूड। और यहाँ पे 53 आपका पोर्ट आईडी देना पड़ेगा, 53। ओके एंड 53, या आप दे भी सकते हो, अगर आपको नहीं देना है तो आप यहाँ पर देखो 53 डेज दिख रहा है, आप दे सकते हो। ठीक है एंड सेव इट, ये सेव हो चुका है। नाउ गो ऑन द क्लाइंट टू एंड एनएस लुकअप अप्लाई, देखो इज रिजॉल्विंग नाउ। क्यों रिजॉल्व हुआ? क्योंकि आपने पोर्ट के अलाउ किया। अब इसमें कोई गूगल खोल के देखो, गूगल पेज खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। तो मैं इसमें गूगल टाइप कर रहा हूँ, लुक एट दैट। आपने 53 तो अलाउ तो कर दिया, अभी तक पेज नहीं खुल रहा है। क्यों पेज नहीं खुल रहा है? google.com कौन सा पोर्ट पे अप्लाई कर रहा है? google.com इज अ पोर्ट 443, बट वी हम लोगों ने 443 पोर्ट को तो अलाउ किया ही नहीं, तो पेज कैसे खुलेगा, है कि नहीं? तो 443 पोर्ट को भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो इस पर आप एडिट करोगे, एडिट में जाओगे और यहाँ पे हम अदर्स क्लिक करते, तो यहाँ पे देखेंगे 53 एंड 443, क्योंकि मैं यहाँ पर दो ही ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ और तो कुछ अलाउ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आप चाहते कि एवरी पोर्ट ओपन रहे नेटवर्क, वो भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको। इसे रिफ्रेश कीजिए, अंडरस्टूड। तो सिर्फ 443 पोर्ट ही अलाउ हुआ है और कुछ नहीं। अगर आपको चाहते हैं होल पोर्ट आपको अलाउ करना है, सारा नेटवर्क इसमें खुले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा इसमें जाना होगा और इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अदर्स करके 1 से लेकर 65,535। इसका मतलब कोई भी पोर्ट इसमें ब्लॉक आपको नहीं मिलेगा नेटवर्क में, एवरी सर्विस विल बी एक्सेस फ्रॉम दिस लैंड पोर्ट। तो ये चीज दिखाने का मतलब ये है ताकि आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सको अपने नेटवर्क को। ओके, दिस पोर्ट का मतलब क्या होता है कि ऑल द सर्विस आर एक्टिवेटेड ऑन ऑन दिस सर्वर। तो इसमें भी मैं ट्रैश शूट कर लेता हूँ एक बार। ट्रैश शूट करने से आपको पता चल जाए कि ट्रैफिक जा किसे रहा है। CRA CRA 8.8.8.8, लुक एट दैट। आई थिंक ओपन रेंज ट्रैश शूट नॉट पॉसिबल, तो ओके डोंट वरी। तो मैं क्या करूँगा, गूगल को कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट राउटर गेट वे आएगा 3, फिर 1। क्लियर? आई होप सो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। ओके और आई थिंक सो आप अपने डेली वर्क में इसको अप्लाइज करो। अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लीव कर सकते हो, मैं उसको आंसर या हमारी टीम के थ्रू से आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।